बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद पीएम मोदी ने बिहार वासियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट कर एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनादेश जारी हो गया है। एनडीए गठबंधन ने महागठबंधन को करारी शिकस्त दी है। आपको बता दें कि एनडीए के खाते में 125 तो वहीं महागठबंधन के खाते में 110 सीट आए। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने मतों की दोबारा गणना को लेकर इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार काफी कम वोटों से हारे हैं, इसलिए मतों की दोबारा गणना की जाए। विधानसभा चुनाव के मतगणना के दिन शाम 6:30 तक भी सस्पेंस बना हुआ था। जीत के रुझान को लेकर महागठबंधन और एनडीए के कार्यकर्ता समय समय पर जश्न मना रहे थे, वहीं अब परिणाम आने के बाद महागठबंधन खेमे में मायूसी दिख रही है। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बेहद खराब प्रदर्शन किया है। 135 सीटों में मात्र एक सीट पर ही जीत पाने में संभव हुई है। वहीं चुनाव से पहले बेहतर प्रदर्शन का चिराग पासवान के द्वारा दावा किया जा रहा था। चुनाव में हार के बावजूद भी महागठबंधन ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। दरअसल आरजेडी ने 175 सीटों के साथ राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले एग्जिट पोल में भी आरजेडी को बड़ा दल बताया जा रहा था।